दोस्तों, औरतों के दिल की बात जानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो आपको चाहती भी होगी ना, फिर भी आपको आसानी से पता नहीं चलने देगी। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि कोई औरत कहीं आपको पसंद करती है, लेकिन आपको उनके इशारे समझ में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे इशारे, वो छोटे छोटे इशारे जिनसे आप 100% श्योर हो सकते हो कि वो पूरे दिल से आप पर फिदा है और आप बात आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई औरत आपके अंदर इंटरेस्टेड है, तो आप जब भी उनके घर या घर के आसपास जाओगे या फिर किसी काम से आप उनके घर जाओगे, तो आपकी आवाज़ सुनकर वो आपको देखना चाहेगी, या कोई काम करने के बहाने वो आपको बार बार देखेगी। तो समझिए कि वो काम सिर्फ आपको देखने के लिए एक बहाना है। वो किसी को शक नहीं होने देगी कि आप उन्हें पसंद हो। ऐसा ही कुछ जब आप अकेले में हो, तो सामने से आकर आपसे बात करना चाहेगी, मस्ती मजाक करेगी, तो यह आपको पसंद करती है। अब यहाँ तक तो उन्होंने उनका काम कर दिया है, अब बात आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नंबर 2, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। अगर आपकी नॉर्मल बातें स्टार्ट हो गई है, तो आप यह नोटिस करें कि वह औरत आपसे थोड़ी वैसी बातें करती है, मतलब कि डबल मीनिंग बातें करती है या नहीं, या उनकी प्राइवेट बातें जो उनके बारे में हो या फिर किसी और के बारे में। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पर डबल मीनिंग जोक्स भेजे, आपके साथ हो तो आपसे ऐसा सब कुछ पूछे जैसे कि आपने पहले किसी से रिलेशन बनाया है, या आपकी थोड़ी पर्सनल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी लगती है, तो उनकी 100% पक्की हाँ है। वो खुद चाह रही है कि आप उनके साथ पूरी तरह घुल मिल जाए, क्योंकि जब किसी के साथ हम ये सब बातें करते हैं, तब बातें जल्दी बन जाती हैं। नंबर 3, आपको उनकी सारी परेशानियां बताती हैं, या फिर उनकी शादी के बातें करें आपके सामने, जैसे कि वो खुश है या नहीं है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या करना चाहती है उनकी ज़िंदगी में, क्या क्या इच्छा है, यह सब। तो एक बात तय है कि उनकी लाइफ में आपकी एक ज़रूरी जगह बन चुकी है, क्योंकि एक औरत अपनी सारी बातें सिर्फ उसी के साथ शेयर करती है जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार और भरोसा होता है। अब यहाँ आप उन्हें खुशी दीजिए, कुछ ऐसी बातें करें कि वह खुश हो जाए, या फिर वो ज़्यादा परेशान हो तो आप उनके हाथ को टच करिए, उन्हें सपोर्ट करिए या गले लगा लीजिए, और साथ ही उन्हें अच्छा फील करवाए। उन्हें ये कहिए कि भाभी, काश आपकी शादी मुझसे हो जाती तो कितना अच्छा होता ना, जिससे आसानी से आपकी बातें बन जाती है। नंबर 4, दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी हिंट है कि वह औरत कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती है आपके घर आने का, या जब भी आपसे मिलती है तो बहुत सारी बातें करती है, मतलब आपके पास रहने के लिए बहाने ढूंढती है, या आपको घर पर बुलाती है, या फिर कभी कभी आपको ताना मारे कि आप तो कभी आते ही नहीं हो मुझसे मिलने। दोस्तों औरतें बहुत चालाक होती है, वह औरतें आपको पसंद भी करती होगी, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक कि आप उन्हें पसंद नहीं करने लग जाते हो तब तक। और इसके लिए वो आपसे किसी काम के लिए मदद मांगेगी। अगर आप गांव में रहते हो और उनको कहीं जाना हो, तो वो आपको साथ लेकर जाएगी। अब इससे आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स आएगी और आप उनसे बात आगे बढ़ाना चाहोगे, और यह औरत भी यही चाहती है, इसीलिए ये सब बहाने ढूंढती है। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों से ये पता कर सकते हो कि वो औरत आप पर पूरी तरह से फिदा है।